हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनिष्ठा अकेडमिक में। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ पर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप UP SSC का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, अगर यहाँ से आप 50 में से 40 क्वेश्चन खुद से कर ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी लगभग GK में सही है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको और अधिक तैयारी करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग देर न करते हुए 50 क्वेश्चन के बहुत तेज़ी से क्यूज सॉल्व करेंगे। आपको हर क्वेश्चन पे 3 से 5 सेकंड का समय देंगे। आप खुद से आंसर करने की कोशिश करना, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आप जज कर सकते हैं अपने आप को कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गोंडवाना लैंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हमने इसे पहला प्रश्न का रूप दिया है। गोंडवाना लैंड का जो भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था? गोंडवाना लैंड। काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। जो दिल्ली में शांतिवन है, वो किसकी समाधि स्थल है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र। अगर आपने महाराष्ट्र किया है, तो बिल्कुल सही किया है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हैदराबाद। अगर आपने हैदराबाद किया, बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गैर नृत्य। गैर नृत्य जो है, वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, पतंजलि का संबंध किससे है? काफी अच्छा, काफी सरल प्रश्न है। पतंजलि का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर है, योग दर्शन से। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देकर कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। काफी अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से? तो इस जो एलोरा का गुफा मंदिर है दोस्तों, गुहा मंदिर, वो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है, ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है, चैत्र। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, हैदराबाद। अगर आपने हैदराबाद किया है, तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमने काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न उठाए हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसे होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? यह अस्थाई प्रकृति की होती है। इसका जो सही आंसर है, डी, अस्थाई। अगर आपने अस्थाई किया है, तो बिल्कुल सही किया है। अगला देखते हैं, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में गिरनार पहाड़ियां स्थित है। अगर आपने ऑप्शन ए को लगाया था, तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना? माइकल एंजेलो एक वायरस है दोस्तों, विश्व में कब चिंता का कारण बना? इसका जो सही आंसर है, 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है?
तुताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, अमीर खुसरू। अगर आपने अमीर खुसरू किया है तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरू पर ही अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरू का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरू का वास्तविक नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मोहम्मद हसन। अगर आपने मोहम्मद हसन किया है आंसर में तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? सितार का जादूगर किसे कहा जाता है संगीत की दुनिया में दोस्तों? इसका जो सही आंसर है रहीम सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नानक जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सरल प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? काफी सरल सरल प्रश्न उठाए हैं दोस्तों, कुछ लेवल के भी प्रश्न हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न हैं, तो आप सारे प्रश्न पर थोड़ा माइंड स्ट्राइक करवाइए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त। अगर आपने ऑप्शन बी किया है तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किससे किसने कही थी? दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कबीरदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? इसका जो सही आंसर है कबीरदास। अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कलादि में। नेक्स्ट देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? सिंपल सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है बेथलहेम में। नेक्स्ट देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, भरतनाट्यम। अगर आपने ऑप्शन बी किया है तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है कथक नृत्य से। कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार थे बिरजू महाराज। नेक्स्ट देखते हैं, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मोहिनी अट्टम। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रंगोली बहुत फेमस है, वहीं की लोक कला शैली भी है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, 1469 में। ओके, 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट देखते हैं, त्यागराज कौन थे? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लेवल का प्रश्न है। त्यागराज कौन थे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, संगीतज्ञ थे ये। त्यागराज जो थे वो एक संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आए दिन एग्जाम में यह प्रश्न दिखता है दोस्तों।
बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? इसका जो सही आंसर है चैतन्य। ओके नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वाराणसी। अगर आपने वाराणसी किया है तो बिल्कुल सही किया है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्षत्रिय। ओके नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों शाक्य। अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो बिल्कुल सही किया है। कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न है दोस्तों, कुछ सिंपल भी हैं, तो आप करते चलिए। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम, इसका जो सही आंसर है वर्धमान। वर्धमान नाम था ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर जी का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों तुकाराम। तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र से संत थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार थे, इसका जो सही आंसर है दोस्तों संत। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों आपको इस पर एक करंट अफेयर का भी आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था, पटना साहिब सीट से कौन जीतकर अभी एमपी बना है? ओके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? इसका जो सही आंसर है दोस्तों जहांगीर। अगर आपने जहांगीर मारा है तो बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, खालसा का स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका जो सही आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने। ओके नेक्स्ट देखते हैं, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों तानसेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथक कहां की नृत्य है? कथक कहां की नृत्य है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों उत्तर भारत की, उत्तरी भारत की नृत्य कथक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों कथकली से, कथकली से संबंधित है मुखौटा नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों गरबा। गरबा जो है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओडिसी, मणिपुरी, कथक ये सभी क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में माना जाता है या उत्तर भारत में हुआ? इसका जो सही आंसर है दोस्तों कथक। दोस्तों जैसा कि हमने 50 क्वेश्चन, कुछ लेवल के भी प्रश्न थे, कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न थे और कुछ सिंपल भी थे आपको करवाए हैं। ऐसे ही आगे भी आपको जज करवाते रहेंगे कि आपकी तैयारी कितनी आगे चल रही है और अच्छे अच्छे प्रश्न भी इतिहास वगैरह के भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।